बैंकों के निजीकरण को लेकर सिविल लाइन क्षेत्र से रैली निकालकर बैंक कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, निजीकरण को बंद करने की करी मांग। आपको बता दें कि आज सोमवार को कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के तत्वावधान में बैंक कर्मचारियों ने सिविल लाइन क्षेत्र से रैली निकालकर सभी बैंकों के निजीकरण को लेकर विरोध जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही निजीकरण को बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। जानकारी देते हुए सुरभि शर्मा बैंक प्रबंधक ने बताया। नाम सुरभि शर्मा है, मैं कैनरा बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और CBOA में रीजनल सेक्रेटरी मुरादाबाद मंडल। आज हम लोग यहाँ पर बैंक हमारी आइनबॉक्स के द्वारा जो हड़ताल की घोषणा की गई है उसको सफल बनाने के लिए यहाँ पर हम सभी बैंक कर्मी यहाँ एकत्र हुए हैं और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं जो कि 15 मार्च और 16 मार्च को जारी रहेगी। और इसी संबंध में जैसा कि आपको विदित है कि वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण करने के लिए ये घोषणा की गई है, हम सभी उसके विरोध में ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज आप हर सरकारी नीति को जब आप सरकारी बैंकों के द्वारा आप अपना रहे हैं, सारे को लागू करा रहे हैं, तो फिर ये बैंकों का निजीकरण क्यों? हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से कि बैंकों के निजीकरण से उनको क्या हासिल होगा। आज जब हर चीज, आज आप एम्स देख लीजिए, हर सरकारी संस्थान आप देख लीजिए, भारत सरकार के अंदर, भारत के अंदर हर व्यक्ति जो गरीब तबके का है वो सरकारी तबकों पर, सरकारी योजनाओं पर निर्भर करता है, तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? ये निजीकरण क्या मांगे रहेंगी आपके इसमें? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन का जो निर्णय लिया गया है उसको वापस लिया जाए और बैंकों को संपन्न बनाया जाए, उनको और संपन्नता प्रदान की जाए और उनको प्राइवेटाइज ना कर करके उनको और ज़्यादा अधिकार प्रदान किए जाएं, उनको एक दृढ़ता के साथ एक समृद्ध ढांचे के रूप में यहाँ पर पेश किया जाए, बनिस्पत इसके कि बैंकों का निजीकरण किया जाए, क्योंकि निजीकरण करना किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। ये हड़ताल कब से कब तक जारी रहेगी आपकी? ये 15 मार्च और 16 मार्च दो दिन की हड़ताल, और इससे पहले भी जो हमारा कार्यक्रम डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पहले भी विरोध नीति के अधीन चल रहा है वो चलता रहेगा, और जब तक कि हम इसमें सफल नहीं होते हैं हम इसी तरह का आगाज देते रहेंगे और करते रहेंगे। क्या इस संबंध में किसी अधिकारी को ज्ञापन भी देंगे आप? हाँ सर, हम यहाँ पर जो है यहाँ पे DM को हम ज्ञापन देंगे और हम अपनी इस बात को भारत सरकार तक ऊपर पहुँचाना चाहते हैं, वित्त मंत्रालय तक, कि इस जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन है उसके निर्णय को वापस लिया जाए।